was also maliciously added to the list of persons who are being arrested. On behalf of Dr. Tenkumbre, petitions were moved both in the Supreme Court and the Bombay High Court. In the Supreme Court, उनको चार हफ्ते का interim protection 14 जनवरी को दिया गया। कोई भी काउंटिंग जानता होगा तो जानेगा कि 11 फरवरी को चार हफ्ते खत्म होते हैं। आज क्या तारीख है? 2 फरवरी। मुंबई एयरपोर्ट पे आज सुबह करीबन 3:30 बजे जब वो कोची से मुंबई आए तो उनको वहाँ पर पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उनकी आज सुबह 11 बजे सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई के साथ अपॉइंटमेंट थी। उनकी एंटिसिपेटरी बेल ट्रायल कोर्ट में सेशंस कोर्ट में रिजेक्ट हुई है। उसके बाद उनके पास 11 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि आप अपने बेल के लिए, लिबर्टी के लिए पिटीशन मूव कर सकते हैं। जाहिर है कि अब इसके बाद वो हाई कोर्ट में मूव करेंगे एंड फॉर दैट ही वाज शेड्यूल्ड टू मीट हिज लॉयर दिस मॉर्निंग। इन अ वेरी वेरी ब्रेजन वायोलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन ही वाज अरेस्टेड, इलीगली अरेस्टेड बाय पुणे पुलिस एंड ही हैज बीन टेकन टू पुणे सेशंस कोर्ट वेयर और ट्रायल कोर्ट, आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली बीन प्रोड्यूस्ड, perhaps before the designated UAPA court. He was to be produced at 2 p.m. अभी हम वेट कर रहे हैं वहाँ से उनके वकील से कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि अदालत के समक्ष जब ये बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर 11 फरवरी तक लागू होता है और बीच में पुलिस ने ऐसे किया है तो क्या अदालत, पुणे की अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान्यता देगी, सम्मान देगी? पुणे पुलिस ने तो सम्मान नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। क्या पुणे की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सम्मान देगी कि नहीं, ये अभी हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मैं सिर्फ एक और बात इस संदर्भ में बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर तेंदुमरे जो गोवा में पढ़ाते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, 28 अगस्त जब there were raids in many parts of the country on homes of lawyers, activists and others, his house was also raided. वो घर पर नहीं थे, उनके घर में उस समय कोई नहीं था। उनके घर की चाबी सिक्योरिटी गार्ड से लेकर उनका घर खोल कर पुणे पुलिस ने रेड किया है, उसमें एक पंचनामा बनाया है। जब घर का कोई नहीं है, आपने कोई जानकार को उसमें नहीं डाला है, वो रेट में आपने कुछ रखा है कि कुछ लिया है कि क्या किया है, ये किसी को नहीं मालूम है। इस तरह रेड नहीं की जाती है। अगर आपको किसी का घर सर्च करना है तो उसका कानून में प्रावधान है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप सर्च मत कीजिए, मगर आप कानून के हिसाब से काम कीजिए। The arrest of Anand Tenkumbre this early morning is not even an arrest, it's an illegal kidnapping by the police, Pune police. हमको ये साफ रूप से दिखाती है कि कानून और सुप्रीम कोर्ट को कोई मान्यता नहीं दी जा रही है। ये किसकी शय पर काम कर रही है पुणे पुलिस? किस कौन है जिस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप इस तरह उसका उल्लंघन करते हैं, बेझिझक खुलेआम कर रहे हैं? किसकी शय पर ये काम हो रहा है? ये सवाल तो उठेगा मन में। हमेशा कहा जाता है कि आप लोग कानून को नहीं मानते, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर इस देश में कोई कानून को मान्यता देता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करता है तो वो इस देश का नागरिक है, इस देश के एक्टिविस्ट है, इस देश की ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी है। और पुणे पुलिस को जवाबदेही देनी होगी, इस देश को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। और मैं आशा करूंगी कि पुणे की अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेगी। थैंक यू उनका। हमारे बीच में प्रेम गार्डनिंग की पत्नी मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे हैं। मिनल गार्डनिंग आप नागपुर से आई हैं हमारे बीच में, और जो पुराना केस था गढ़चिरौली वाला उसमें जो है नई अरेस्टिंग अभी हुई है। मिनल गार्डनिंग
हमारे बीच में जोन दयाल साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपकी राइट से तशरीफ लें। मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जोन दयाल साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।